पान मसाला आपने नाम तो सुना ही होगा। भारत के हर बड़े शहर से लेकर छोटे गांव तक सभी इस शब्द से वाकिफ होंगे, क्यों? सही कहा ना। अगर आप भारत के शहर या मोहल्लों की सड़कों पर निकलें, अपने आसपास देखें तो आप इस पान मसाले से जरूर रूबरू हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट चैनल में। अगर अभी भी आप किसी कंफ्यूजन में हैं, तो आप टीवी या यूट्यूब तो जरूर देखते होंगे। आपने रजनीगंधा, कमला पसंद या अन्य किसी ऐसे ही सामान का प्रचार बहुत ही रॉयल अंदाज में तो जरूर देखा होगा, जिसमें हमारे पसंदीदा कलाकार इसका प्रमोशन करते नजर आते हैं। यहां तक भी आप अगर इसे नहीं समझे तो आपको कानपुर ले जाना हमारी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है, जहां बड़े से लेकर छोटे तक सभी खून की उल्टियां करते आपको जरूर नजर आएंगे। खून की उल्टी जैसे शब्द आप अगर हजम नहीं कर पा रहे हैं तो लाल रंग की पिचकारी चलाते हमारे इस वीडियो में आप उन्हें साफ देख सकते हैं। चलिए आपको हाल ही में हुए पान मसाला से जुड़े बवाल के बारे में बताते हैं, जिसमें आपके और हमारे चहेते सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी शामिल हैं। आपको बता दें, अपने जन्मदिन के मौके पर यानी कि 11 अक्टूबर को अमिताभ बच्चन ने पान मसाला कंपनी कमला पसंद के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। इसी के साथ ही अमिताभ बच्चन ने कमला पसंद कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के दौरान यह जोर देकर कहा था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह सैरोगेट विज्ञापन के अंतर्गत आता है। सैरोगेट विज्ञापन से आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। आपको बता दें, जो चीजें समाज के लिए हानिकारक हैं और उसके प्रचार प्रसार पर कुछ कानूनी प्रतिबंध हैं, जिनके चलते उनका विज्ञापन सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता, उन्हें सैरोगेट विज्ञापन कहते हैं। तो चलिए फिर से आपको अपने मुद्दे पर ले चलते हैं। हाल ही में सामने आई ई टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, एंडोर्समेंट समझौते की समाप्ति के बावजूद पान मसाला ब्रांड कमला पसंद ने अमिताभ बच्चन पर फिल्माए गए टीवी विज्ञापनों का प्रसारण जारी रखा हुआ है। आगे आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि अमिताभ बच्चन के ऑफिस से पता चला कि कमला पसंद को कानूनी नोटिस भेजा गया है, जिनमें अमिताभ बच्चन के टीवी विज्ञापनों को तत्काल प्रभाव से बंद करने को कहा गया है। जब मीडिया द्वारा यह पता किया गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो इसी के चलते अमिताभ बच्चन के बयान में कहा गया, जब अमिताभ ब्रांड से जुड़े तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह सैरोगेट विज्ञापन के अंतर्गत आता है। वह ब्रांड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर चुके हैं। इस समाप्ति के साथ ही जो धनराशि उन्हें प्रमोशन के लिए मिली थी, उन्होंने उसे भी वापस लौटा दिया है। दरअसल पिछले काफी टाइम से अमिताभ बच्चन को उनके कमला पसंद पान मसाला ब्रांड वाले विज्ञापन को लेकर ट्रोल किया जा रहा था, जिसके बाद ही उन्होंने नोटिस भेजने जैसा बड़ा कदम उठाया था। जब उन्होंने पान मसाला ब्रांड के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, तब भी उन्हें ट्रोलर्स द्वारा काफी ट्रोल किया गया। इस पर अपना पक्ष रखते हुए अमिताभ बच्चन जी ने कहा था कि यह मनोरंजन व्यवसाय का हिस्सा है, जो कई लोगों को रोजगार देता है। वैसे यह तो हमारी घरेलू बातें हो गई, जहां हमारे अब कई अभिनेताओं को इस पान मसाला कंपनियों द्वारा पैसा देकर विज्ञापन करवाया जाता है, जिनमें कई कलाकार विज्ञापन करते हैं तो कई मना कर देते हैं। कुछ सुप्रसिद्ध कलाकारों की सूची में शाहरुख खान, अजय देवगन, सलमान खान, सैफ अली खान और भी कई अन्य सितारे हैं, इन विज्ञापनों को करने से पीछे नहीं हटते। वैसे तारीफ तो हमारे प्रतिभावान पान मसाला ब्रांड की होनी चाहिए। बॉलीवुड छोड़ो, इन्होंने तो हॉलीवुड स्टार्स तक को भी नहीं छोड़ा, उनसे भी पान मसाले का विज्ञापन करवा डाला। आपको यह भी जानकारी हम आपके लिए दिए देते हैं। पियर्स ब्रॉसनन आयरलैंड के एक हॉलीवुड फिल्म अभिनेता हैं, जो जेम्स बॉन्ड फिल्म की श्रृंखला में अपने किरदार जेम्स बॉन्ड के लिए देश विदेश में काफी मशहूर हैं। पान मसाला कंपनियों ने अपना प्रचार इस अभिनेता से भी करवा डाला। अमिताभ बच्चन तो फिर भी अपने घर के हैं। पान मसाला ब्रांड को लेकर आपकी क्या राय है, हमें नीचे लिखकर जरूर बताइएगा। मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही मनोरंजन से जुड़ी तमाम अपडेट्स मैं शुभम त्रिपाठी आप तक पहुंचाता रहूंगा। इसी के साथ धन्यवाद।